All these bitches, I shake, make me shit. 1942. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं देन मैं हूँ रिया, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिस इंडियन ट्रेडिशनल बोहो मेकअप लुक विद ब्लैक साड़ी। एंड इस लुक को मैंने क्रिएट किया है लैक्मी 95 सीसी क्रीम एंड कुछ एफोर्डेबल बहुत ही मिनिमम से प्रोडक्ट्स के साथ एंड कुछ ईजी स्टेप्स में विद स्पॉन्ज टिप एप्लीकेटर। सो गाइस, अगर आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हो कि कैसे मैंने इस लुक को क्रिएट किया, एंड गाइस अगर आपको ये लुक पसंद आ रही है तो इस वीडियो को बिना स्किप के जरूर एंड तक देखना। एंड अगर आप मेरे चैनल में बिल्कुल नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड उसको जो छोटा सा बेल बटन है उसे भी जरूर हिट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबको मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है प्राइमर, और ये है लैक्मी एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर, और ये काफ़ी अच्छे से आपकी जो पोर्स है उसे बिल्कुल ब्लर कर देती है। और इससे कुछ इस तरीके से टी जोन एरिया में फोकस करके मैंने पूरे फेस में बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और प्राइमर को इस टाइम में अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि हर किसी के फेस में बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, ये समर टाइम है एंड सीज़न भी ऐसा ही है, तो इसलिए प्राइमर ज़रूर अप्लाई कर लेना। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे लैक्मी की 925 सीसी क्रीम को कुछ इस तरीके से पूरे फेस में डायरेक्टली डॉट डॉट करके अप्लाई कर लिया है, नेक पे भी, एंड उसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। सो इस सीसी क्रीम में मेरा शेड नंबर है बेज। इसके बाद मैंने कंसीलर यहाँ पे अप्लाई किया है, और कंसीलर बहुत ही बेस्ट काइंड ऑफ कंसीलर है, और ये है एल्फ की कैमो कंसीलर। ऑयली स्किन टाइप के लिए बेस्ट कंसीलर है गाइस, इसकी कवरेज भी काफ़ी अच्छी है एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। जब मैंने परचेस किया था इसे अराउंड 500 रुपीस में मुझे ये मिल गया था, और इस प्राइस में ये बेस्ट काइंड ऑफ कंसीलर है। तो इसे कुछ इस तरीके से अप्लाई करने के बाद सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब करके मैंने ब्लेंड कर लिया है। पूरे मेकअप बेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी की सेटिंग पाउडर, और ये काफ़ी अच्छी फाइन काइंड ऑफ पाउडर है और काफ़ी अच्छे से मेकअप बेस को सेट करती है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। तो कुछ इस तरीके से इसे पाउडर ब्रश की हेल्प से पिक करके मैंने पूरे फेस और नेक की जो बेस में मेकअप है उसे सेट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पूरे फेस को कंटूर करने के लिए लिया है मेकअप रेवोल्यूशन की कंटूर हाइलाइटर एंड ब्रॉन्जर किट, और इसमें से कंटूरिंग शेड को पिक करके इस तरीके से हॉलोस ऑफ द चीक्स, जॉ लाइन एंड फोरहेड को कंटूर कर लिया मैंने। एंड गाइस, कंटूरिंग से आप देख सकते हो थोड़ी सी स्कल्प्टेड वाली लुक आती है, क्योंकि फाउंडेशन एंड कंसीलर अप्लाई करने के बाद फेस बहुत ज़्यादा फ्लैट दिखती है। तो इसलिए अगर आपको कंटूर जो स्कल्प्टेड लुक है उसे वो पसंद आती है तो आप इस तरीके से कंटूरिंग कर सकते हो, बट अगर आपको पसंद नहीं है तो आप छोड़ सकते हो इसे। लेकिन कंटूरिंग से फोटोज़ एंड पिक्स वगैरह बहुत अच्छी आती है। तो कुछ इस तरीके से कंटूरिंग कर लेने के बाद मैंने अपनी नोज़ को भी थोड़ी सी कंटूरिंग की है एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से। यहाँ पे अगेन मेकअप रेवोल्यूशन की अल्ट्रा ब्लश पैलेट से पिंक ब्लश शेड को पिक करके अपनी एपिसोड चिक्स पे अप्लाई कर ली। एंड नेक्स्ट यहाँ पे सेम कंसीलर को मैंने अपनी आईलिड पे भी अप्लाई कर लिया है, और इसमें मेरा शेड नंबर है मीडियम बेज। एंड इसे अप्लाई करने के बाद फिंगर की हेल्प से डैब डैब करके ब्लेंड कर लिया है एज माय आईशैडो बेस। एंड अगेन सेम सेटिंग पाउडर से आईशैडो बेस को भी सेट कर लिया है। इसके बाद आईशैडो के लिए मैंने यहाँ पे लिया इस तरह के स्पॉन्ज टिप एप्लीकेटर, एंड मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी की अल्टीमेट शैडो पैलेट 04 शेड नंबर है। तो सबसे पहले लाइट ब्राउन शेड को इस तरीके से अप्लाई किया है, एंड इसके बाद डार्क ब्राउन शेड को आउटर कॉर्नर में इस तरीके से अप्लाई किया है। तो गाइज़, ये काफ़ी अच्छी एक ट्रिक है, अगर आपके पास बहुत सारे मेकअप ब्रशेस नहीं है तो आप इस तरीके से स्पॉन्ज टिप एप्लीकेटर की हेल्प से भी कट क्रीज ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरीके से एक बफिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, एंड इसके बाद अगेन सेम डार्क ब्राउन शेड को आउटर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ, एंड थोड़ा सा क्रीज लाइन पे से स्प्रेड कर रही हूँ, एंड उसके बाद अगेन एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। एंड इसके बाद इस तरीके की एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पे माइसलर वाटर को पिक करके जस्ट एक कट क्रीज की तरह से ड्रॉ करने की कोशिश की है, एंड इससे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी एक कट क्रीज ड्रॉ हुई है यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छी एंड इजी ट्रिक है, अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आपको कट क्रीज ड्रॉ करना नहीं आती है तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरीके के एक वार्म ब्राउन शेड लिया है, और मैंने यहाँ पे इसे पिक किया यू कैन बी पिटी और सेट पैलेट से, एंड अगेन सेम पैलेट से ये वाला जो ग्लिटरी काइंड ऑफ ब्रॉन्जी काइंड ऑफ शेड है इसे उसके ऊपर अप्लाई कर लिया है। एंड गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक कट क्रीज ड्रॉ हुई है विदाउट एनी कंसीलर, विदाउट एनी फ्लशर ब्रश। तो अगेन सेम ब्राउन शेड को मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई किया है, एंड सेम डार्क ब्राउन शेड को भी अपनी लोअर लैश लाइन पे स्मज कर लिया है स्पॉन्ज टिप एप्लीकेटर की हेल्प से, एंड इनर कॉर्नर की तरफ सेम गोल्डन शेड को अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी की बोल्ड एंड ब्लैक जेल काजल, इसे मैंने सिर्फ अपनी अपर वाटर लाइन या फिर टाइट लाइन पे अप्लाई किया है।
तो गाइस आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्मार्ट ग्लो एंड वाटरप्रूफ काजल है। मैंने अपने वाटर अपर वाटर लाइन पे इसे अप्लाई तो किया, लेकिन मेरी लोअर वाटर लाइन पे या फिर वाटर लाइन पे ये बिल्कुल भी नहीं लगी। तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा वाटरप्रूफ है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है लाइनर, और ये है स्विस ब्यूटी की HD मैट लिक्विड आईलाइनर। ये मेरी फेवरेट मैट ब्लैक लाइनर है, ये काफ़ी अच्छी है। तो इसे इस तरीके से अप्लाई करने के बाद मैंने अपनी मस्कारा अप्लाई कर लिया है, और ये है मेबलिन की कोलोसल वाटरप्रूफ मस्कारा, और ये काफ़ी अच्छी वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा है। तो देख सकते हो मैंने इसकी 2 से 3 को अपनी अपर एंड लोअर लैशेस से बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट हाइलाइटर के लिए अगेन मेकअप रेवोल्यूशन हाइलाइटर कॉन्टूर ब्रॉन्जर पैनल से हाइलाइटर शेड को पिक करके मैंने अपने पूरे फेस को हाइलाइट कर लिया है। एंड सेम हाइलाइटर से ही मैंने अपने आईज के इनर कॉर्नर्स एंड अपने ब्राउन बोन्स को भी हाइलाइट कर लिया है। तो आज के लुक के लिए मैं बिल्कुल न्यूट लिप्स रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले लिप्स के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर से अपनी लिप्स को लाइनर अप एंड फिल कर लिया है, और इसमें मेरा शेड नंबर है चॉकलेट न्यूट, और ये काफ़ी अच्छी लिप लाइनर है। तो कुछ इस तरीके से इसे अप्लाई कर लेने के बाद नेक्स्ट इसके बाद मैंने अपनी फॉर्स लैशेस अप्लाई कर लिया है। एंड लिप्स के लिए अगेन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी और कलर ऐड किया है, और ये है आई मैजिक की लिक्विड लिपस्टिक, और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड उसके ऊपर थोड़ी सी इसे डार्कन आउट करने के लिए अगेन लिप लाइनर अप्लाई कर लिया है मैंने, और ये है स्विस ब्यूटी बोल्ड मैट लिप लाइनर इन द शेड चॉकलेट। तो इसके बाद पूरे मेकअप को मैंने फिक्स कर लिया है इनसाइड कॉस्मेटिक्स के मेकअप फिक्सर से। So yes guys, that's my final look. So guys, आपको ये लुक कैसे लगी लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आपको ये लुक पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस और भी आते रहेंगे। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक इंस्टा पे, इन सारे सोशल मीडियाज की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो गाइस मिलते हैं इस वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।